उस खराब स्थिति के आने का, उस मनहूस दिन के आने का वेट मत करो। आपको पहले ही पता चल जाता है कि मेरी अगले महीने स्थिति नहीं है, 2 महीने पहले पता चल जाता है कि मैं अभी EMI नहीं पे कर पाऊंगा। अब आप इंतजार करते रहते हो कि 3 EMI बाउंस हो जाए। 3 EMI का मतलब 90 दिन, 90 दिन के बाद वो हो जाएगा NPA। जब आपको पता है 2 महीने बाद मैं EMI नहीं दे पाऊंगा, तो अभी बैंक में जब आप EMI भर रहे हो तब बैंक में जाकर के लेटर दो कि साहब मेरी स्थिति आज वैसी नहीं है जब मैंने लोन लिया था, जब जैसी स्थिति थी, अगले 2 महीने बाद मैं EMI नहीं भर पाऊंगा, अब मुझे कोई विकल्प दिया जाए। बैंक क्या क्या विकल्प दे सकता है? बैंक 3 विकल्प दे सकता है। पहला विकल्प होता है आपको कुछ समय दे दे, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल तक का बैंक को समय देने का अधिकार है अगर आपकी स्थिति खराब हो जाती है। कई लोगों ने बताया घर में जो कमाने वाला था वो एक्सपायर कर गया, अब कहां से EMI देगा? बैंक को पता ही नहीं है स्थिति खराब है थी। आप फोन नहीं उठा रहे, आप उनके लेटर के जवाब नहीं दे रहे। आप बैंक को पहले ही बता दो कि भाई मेरी स्थिति खराब हो सकती है, अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा, मुझे समय दे। या तो बैंक समय दे देगा, समय नहीं देगा तो बैंक दूसरा क्या कर सकता है, लोन रीस्ट्रक्चर कर सकता है। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आपकी EMI को कम कर देगा। आपका तो मेरी सैलरी थी 50,000 रुपए महीना, मैं 30,000 रुपए महीना EMI भर पा रहा था आराम से। अब मेरी नौकरी छूट गई, या मेरी नौकरी नहीं है, या मेरी नौकरी की मेरी सैलरी कम हो गई, 25,000 रह गई, मैं 30,000 की EMI नहीं पे कर सकता। तो बैंक से रिक्वेस्ट करो कि मेरी EMI को उस रेंज में 15,000-12,000 जितनी आप कर सकते हो उतनी रेंज में ले लेगा। इसको रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। रीसेटलमेंट कर सकता है, रीफाइनेंस कर सकता है, पुराना लोन क्लियर करके नया लोन दे सकता है आपको। आपकी EMI अब नई वाली जो बनेगी वो कम बन सकती है। एक लीन पीरियड होता है, लीन पीरियड मतलब जिसमें आपको EMI या इंटरेस्ट पे नहीं करना, ऐसा भी लीन पीरियड लिया जा सकता है 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का। बैंक से जाकर के बात करो कि मेरी स्थिति खराब है, और जेन्युइन जो स्थिति है वो बताना। और बैंक से कुछ भी कम्युनिकेशन करो, बार बार बोल रहा हूँ, बैंक से रिटर्न कम्युनिकेशन करो। बैंक क्या करता है आपको, जब भी कोई कम्युनिकेशन करता है नोटिस भेजता है। क्यों भेजता है? बैंक पागल है क्या? बैंक इसलिए भेजता है कि जब आप इन नोटिस के जवाब नहीं दोगे आप डिफॉल्टर हो जाओगे। उसके पास 5 नोटिस होंगे, वो कोर्ट में जाएगा, देखो जी हमने इतनी बार इनको बताया था। अच्छा तुम्हारे पास 10 होंगे तो जज तुम्हारी बात मानेगा कि देखो जी मैंने बैंक को बताया था मेरा व्यापार बंद हो गया है, मैंने बैंक को बताया था मेरी EMI नहीं दे पाऊंगा, मैंने बैंक को बताया था मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरी EMI कम कर दो, मैंने बैंक को बताया था मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, मैंने बैंक को बताया था कि मेरी स्थिति खराब हो रही है। बैंक को कोई सपना नहीं आएगा कि आपकी स्थिति आज खराब है, बताना पड़ेगा। अगर बताओगे तो बैंक आपकी बात सुनेगा। अभी गाड़ी में भी हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति को बताया गया, उसे जाके बैंक में बात की, EMI जा रही है उसकी। उसने कहा जी मैं अगले महीने से पे नहीं कर पाऊंगा, मुझे कम से कम 2 साल का समय दे दो। बैंक ने कहा 2 साल का समय नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम मैं 6 महीने का समय दे सकता हूँ। और वो कह रहा सर क्या करना, मैंने कहा 6 महीने मिल गए ना, पहले 6 महीने का ले लो, 6 महीने में जब 5 महीने हो जाए फिर जाकर के एप्लीकेशन लगाओ कि मेरी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। अगर नहीं हुई, अगर ठीक हो जाए, पुराना करें, कोई काम चल जाए, कुछ हो जाए, ना शुरू कर दो। लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस मत होने देना, क्योंकि अगर लगातार 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है तो उसको NPA डिक्लेयर किया जा सकता है। और दो बैंक इतनी जल्दी NPA नहीं करता, कारण क्या है? सारे बैंक शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और अगर किसी बैंक का NPA 18-20% से ज्यादा दिखने लगेगा उसके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए जल्दी से बैंक भी NPA डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन लगातार 3 इंस्टॉलमेंट 90 दिन तक अगर आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि आप डिफॉल्टर हैं। तो इसका इलाज क्या है? मान लो आपकी EMI 20,000 रुपए महीने, आप क्या करो, 5,000 रुपए डाल दो। अभी क्या होगा, ट्रांजेक्शन हो गए अकाउंट में, और अपने अकाउंट में नहीं डालनी, लोन अकाउंट में डालनी है। हर एक का लोन अकाउंट नंबर अलग होता है और पर्सनल अकाउंट अलग होता है। आप क्या करते हो, आपके लोन अपने अकाउंट से ही किश्त कटती है तो आप अपने अकाउंट में पैसा डालो, अपने में मत डालो। अगर पूरी किश्त डालनी है तो अपने में डालो, अगर 5 पेमेंट डालनी है तो लोन अकाउंट में डालो। अब क्या होगा, उनकी स्टेटमेंट में आ जाएगा किसने 5,000 रुपए डाले। अब अगर कल को कोर्ट जाएगा बैंक कि आप डिफॉल्टर हो तो आप दिखा सकते हो, देखो जी अगर मैं डिफॉल्टर होता दो कि मेरी 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई है, ये रीजन है, आगे से मैं इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा, मुझे 3 इंस्टॉलमेंट के लिए समय देंगे। तो बैंक के पास ये भी अधिकार होता है कि वो 3 इंस्टॉलमेंट को ऐसे ही होल्ड रखे और आगे की कंटिन्यू कर दे। तो क्या होगा, आपका आगे का कंटिन्यू हो गया। अब 3 में जब थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा थोड़ा करके 6 महीने साल भर में वो 3 क्लियर कर दो।
फिर भी अगर 3 क्लियर नहीं होते तो कम से कम 1 जरूर क्लियर कर देना। 90 दिन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में। अभी जैसे अप्रैल 31 मार्च तक है फाइनेंशियल ईयर, इसमें नहीं होगा अगले साल में फिर आपको 90 दिन का समय मिल जाएगा। तो बैंक से बात करो, कम्युनिकेट करो। अभी आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली होगी, मुझे नहीं मालूम करी कि नहीं करी, अटेंड करो। उसमें कर्जे से बाहर निकलने के 20 से ज्यादा तरीके बताए गए हैं, कोई ना कोई तरीका आपके काम जरूर आ जाएगा। आप अपने स्तर पर भी लड़ाई लड़ो, मैं भी लड़ रहा हूँ, साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे तभी सफलता मिल पाएगी। अगर